रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भीषण गर्मी के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों ने गर्मी से बचाव के लिए प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। लोग पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के कसौरे भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला के एक निजी रेस्टोरेंट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक रक्तदाता को पक्षियों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी का कसौरा दिया गया। इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। इस रक्तदान शिविर में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज ने भी शिरकत की। इस मौके पर अनिल विज ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान होता है। इस दौरान अनिल विज ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। अंबाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। जैन, आज हमारी माता जी श्रीमती रीता जैन जी की द्वितीय पुण्यतिथि की पावन स्मृति पे आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत विकास परिषद सदर शाखा के से विशेष सहयोग से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जैन सोडा वाटर फैक्ट्री सदर बाज़ार में। इसमें हम सबसे अनुरोध करते हैं कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, जिससे रक्त एक ऐसी वस्तु है जो ना तो आज तक लेबोरेटरी में डेवलप हो पाई, ना ही आप पैसे से खरीद सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को मनुष्य के लिए आगे आना पड़ता है, और आज भी इतने समझदार होने के बावजूद हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य खराब होगा, ये होगा। कुदरत ने ऐसा करिश्मा बना के भेजा है, जो हम रक्तदान करते हैं वो कुछ ही घंटों में रिप्लेनिश हो जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि रक्तदान जहाँ भी ज़रूरत पड़े करें। इसके साथ साथ एक हम, जैसे कि आपने पिछले कुछ समय में देखा कि गर्मी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत थे, नदियाँ, नाले, तालाब, वो अब इतने ज़्यादा शहरों में नहीं रहे। उस वजह से हमने एक प्रेरणा के तौर पर हम मिट्टी के बर्तन लोगों में वितरित कर रहे हैं, जिसका हम ये सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ बन पड़े, छज्जे में, बालकनी में, छत पर, जहाँ जिससे जो बन पड़े, एक जग पानी का उसमें ज़रूर रखें। आपकी तरफ से वो एक जग पानी है, लेकिन किसी के लिए वो अमृत से कम नहीं है। कितना टारगेट रखा है? आज का जो टारगेट है वो करीबन 100 यूनिट एकत्र करने का है। जैन परिवार ने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है कि पुण्यतिथि के ऊपर उसको मनाने के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। वैसे भी लोग दान करते हैं ऐसे दिन, लेकिन रक्तदान जो है वो महादान है, क्योंकि साइंस ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली, चांद पे चला गया, मंगल पे जा रहा है, शुक्र पे जा रहा है, और जो गुर्दे बदले जा रहे हैं, हार्ट बदला जा रहा है, सिर बदलने की भी चल रही है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी कोई भी साइंसदान आज तक नहीं बना सका है। और रक्त की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाए तो पड़ती है, किसी का डिलीवरी केस हो तो पड़ती है, किसी में अनीमिया हो तो पड़ती है, कई मामलों में रक्त की कमी पड़ती है, और कोई भी सिंथेटिक रक्त नहीं आता। रक्त की कमी मनुष्य के रक्त देने से ही पूरी हो सकती है, इसीलिए इसको महादान कहते हैं। हाँ नहीं, ये देखिए, पक्षी भी, ये जो जितने भी जीव हैं हमारी धरती पर, ये इन सबका होना भी जरूरी है। ये इको संतुलन बनाकर रखते हैं, और गर्मियों में पानी के लिए या अनाज के लिए ये भटकते हैं, इसलिए लोग किशोरे भी रखते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।